अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत के मुरादाबाद महानगर द्वारा आजादी के अमृत काल में छात्र चेतना महानगर छात्र सम्मेलन का आयोजन बुध बाजार स्थित प्रेम चुनरिया में किया गया। इसके पश्चात विशाल शोभा यात्रा जो कि प्रेम चुनरिया से प्रारंभ होकर नगर निगम पार्क टाउन हॉल पर जाकर समाप्त हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल रही। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत के प्रांत विशेष आमंत्रित सदस्य मेजर राजीव ढल अभाविप रहे। भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत के द्वारा आज मुरादाबाद महानगर में छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र के निर्माण में योगदान के प्रति जागरूक करना, आत्मनिर्भर भारत किस प्रकार से बने, युवाओं की क्या भूमिका हो देश की उन्नति में, राष्ट्र के निर्माण में, इस विषय को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसके बाद इस कार्यक्रम के बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें बड़ी युवा तरणाई रहेगी और उसमें वहाँ पर एक बाद में शोभा यात्रा के बाद एक खुला मंच रहेगा। खुले मंच में सभी जो विद्यार्थी है अपने विचार रख सकेंगे। खुला मंच का भी कार्यक्रम किया गया वहाँ पर डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी विशेष रूप से हमारे साथ। क्या संदेश देंगे समाज के लिए इस शोभा यात्रा के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है भारत और युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस प्रकार से राष्ट्र के निर्माण में भारत में योगदान दे सकते हैं युवा, इन्हें जागरूक करने के लिए, इन्हें ऊर्जा इनमें संचार करने के लिए ये विद्यार्थी परिषद के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य मणिराम और भाजपा ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनुपेंद्र सिंह मौजूद रहे। विशाल शोभा यात्रा के पश्चात खुला मंच के कार्यक्रम नगर निगम पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें छात्र नेता अमन शर्मा, गौरव क्षत्रिय, वर्षा विश्वास ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया।